इतिहास के जिस एक चरित्र पर सबसे ज्यादा विवाद रहा है वह नाम है औरंगजेब। हिंदुवादी संगठनों से लेकर सियासी दल औरंगजेब के इतिहास से जुड़े अध्याय पर तलवार चलाते रहते हैं। हिंदुस्तान पर राज करने वाले इस छठे मुगल शासक और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की अदावत इतिहास में दर्ज है। यहाँ अदावत का सिंपल मतलब है दुश्मनी। उन्हीं शिवाजी की धरती कोल्हापुर में औरंगजेब पर एक नया विवाद हाल ही में शुरू हुआ है। इस वीडियो में हाल ही में हुए कोल्हापुर विवाद, शिवाजी और औरंगजेब की पुरानी दुश्मनी के बारे में जानेंगे। कोल्हापुर में हाल ही में क्या हुआ वह समझते हैं। कोल्हापुर से पहले अहमदनगर में औरंगजेब के एक पोस्टर से विवाद की चिंगारी भड़की हुई है। यहाँ के फकीरवाड़ा इलाके में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में म्यूजिक और डांस के बीच चार लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहरा दिए। चारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस देश और राज्य में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पूजनीय हैं। औरंगजेब का पोस्टर कोई लहराता है तो यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इतने में कोल्हापुर से एक नई घटना सामने आ गई। यहाँ औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर लगाया था। इसके विरोध में कई हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद की अपील की थी। इसी दौरान पुलिस से झड़प भी हुई और उसके बाद यहाँ 19 जून तक धारा 144 लगा दिया गया। अब आते हैं शिवाजी और औरंगजेब की अदावत यानी दुश्मनी पर। जब शहजादे औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था तभी उसकी शिवाजी से लड़ाई शुरू हुई। 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने वहां आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने इस दौरान औरंगजेब पर हमला बोल दिया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी शिवाजी ने धावा बोला। इस वजह से औरंगजेब और शिवाजी के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने बीजापुर से संधि कर ली। शाहजहां के बीमार होने के बाद औरंगजेब ने उत्तर भारत का रुख किया। वहीं औरंगजेब ने खुद के पिता शाहजहां को कैद कर लिया और वह दिल्ली का बादशाह बन गया। दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के लीडरशिप में मजबूत होता गया। उत्तर भारत से ध्यान हटाने के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण का रुख किया। वह शिवाजी की ताकत से वाकिफ था। उसने शिवाजी पर अंकुश के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। 1.5 लाख की फौज के साथ शाइस्ता खां पूना पहुंच गया। 3 साल तक वह मावल में लूटपाट करता रहा। इसी दौरान शिवाजी ने एक दिन शाइस्ता खां पर हमला किया जिसमें उसकी 4 उंगलियां कट गई। उसके बेटे अबुल फतह को भी मराठों ने मार दिया। और इसी बीच औरंगजेब को चुनौती देते हुए शिवाजी ने खड़ा किया हिंदू साम्राज्य। जब शिवाजी से औरंगजेब का नुकसान बढ़ता गया तो उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 की इस संधि के मुताबिक शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों के हवाले करने थे। शिवाजी को इसके बाद आगरा के किले में बुलाया गया। जब वहां उचित सम्मान नहीं मिला तो शिवाजी ने भरे दरबार में नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब ने इसके बाद शिवाजी को नजरबंद कर दिया। औरंगजेब का इरादा शिवाजी की हत्या का था लेकिन उससे पहले ही शिवाजी ने चकमा दे दिया। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी और संभाजी किले से भागने में कामयाब रहे। 1668 में शिवाजी और मुगलों के बीच दूसरी बार संधि हुई। इसके बाद 1670 में शिवाजी ने मुगल सेना को सूरत के पास फिर शिकस्त दी। पुरंदर की संधि में जिन राज्यों को शिवाजी ने मुगलों को दिया था 1674 आते आते इन इलाकों पर दोबारा शिवाजी का अधिकार हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने रायगढ़ के किले में सितंबर 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। इसके बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज का ऐलान किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य बना।